हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है। कोरने वीडियो में रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, एक बार फिर से रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है, सुरक्षित रखा, अपने पंखों की आड़ में छिपा कर रखा मेरे प्रियजनों। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, ठीक है, क्योंकि वही महिमा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य है। उसी के द्वारा हम सभी को जीवन मिला है, उद्धार हुआ है, अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने दिया है। ऐसा जीवन परमेश्वर ने दिया है जो एक दिन का नहीं है, दो दिन का नहीं है, तीन दिन का नहीं है, हजार साल का नहीं है, अनंत काल का जीवन, अजर मिरास जो कभी नाश नहीं होता है। ऐसा जीवन परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों को दिया, खोजियों को दिया है। मेरे प्रियजन अब दुख में है, तकलीफ में है, समस्याओं में है, गरीबी में है, बीमारी में, उदासी में, बेचैनी में है, डरे हुए, घबराए हुए, तो आज आपको किसी मनुष्य से नहीं बताना है, आज आपको परमेश्वर से बताना है। आज आपको परमेश्वर से बताने की आवश्यकताएं हैं। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, आपके आंसू को पोछेगा, आपकी गरीबी को, आपकी तंगी को हमारा परमेश्वर जड़ से खत्म करेगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, श्रापित वह पुरुष जो मनुष्य का सहारा लेता है, उस पे भरोसा रखता है। हम सभी को यीशु मसीह पे विश्वास करना है, उसका सहारा लेना है, परमेश्वर से बोलना है। यीशु मसीह आपके दुखों को दूर करेगा, यीशु मसीह आपके आंसू को पोछेगा, आपकी गरीबी को, आपकी तंगी को, आपकी परेशानी को हमारा परमेश्वर खत्म करेगा। मेरे प्रियजनों, अब रो रहे हैं, किसी बात लेकर टूट चुके हैं, चिंतित हैं, यदि आपकी शादी नहीं हो रही, अपनी निराशा में है, घबराहट में, बेचैनी में डरे हुए हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बोलना है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, परमेश्वर आपके जीवन को नया करेगा। बस अपने जीवन में यीशु मसीह को बुलाना है, परमेश्वर को बुलाना है। यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे मन की बातों को जानता, तेरे हृदय की बातों को मैं जानता हूँ। तुझे क्या चाहिए, तेरी क्या इच्छाएं, क्या आवश्यकताएं, क्या जरूरतें हैं, मैं जानता हूँ। मैं जानने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह के पास अधिकार है कि वही हम सभी के हृदय के मनों की बातों को जानता है और जांचता है कि हम सभी को क्या चाहिए, क्या चाहिए परमेश्वर देगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। यदि आप संकट संकेति में, बेचैनी में, बीमारी में, घबराहट में डरे हुए हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है, आज आपको यीशु मसीह से बोलना है। यीशु मसीह आपके दुखों को आज दूर करेगा, आपके जीवन को हमारा परमेश्वर बदल के रखने वाला परमेश्वर है, वो बदल के रखेगा। मेरे प्रियजनों, बस हम सभी को विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, एक मनुष्य को परमेश्वर के पास आने के लिए उसे विश्वास करना होगा कि परमेश्वर है, हमारे कामों को सफल करेगा। यदि आपकी किसी कोई भी खतरनाक बीमारी क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आज आपको परमेश्वर चंगा करेगा, आपके कामों को हमारा परमेश्वर सफल करेगा। हमें विश्वास करना कि परमेश्वर जीवित है, जो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, पवित्र शास्त्र के अनुसार। मेरे प्रियजनों, इस प्रार्थना को आंख बंद करके सुनेंगे, पूरा विश्वास के साथ सुनेंगे, लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करेंगे। चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। मेरे पिता महान है प्रभु, आप दयालु परमेश्वर हैं, प्रजाओं की राजा है, प्रभु के प्रभु, सेनाओं की यहोवा है। पिता यीशु, पापा आपकी महिमा करते, आपकी बड़ाई करते, आपकी तारीफ करते, आपकी जय जयकार करते। मेरे परमेश्वर पिता, मेरे पिता ऐसे बहुत सारे लोग होंगे पिता जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो मर गए होंगे पिता, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से प्रभु वे बिछड़ गए होंगे पिता, वे कैसे स्थान पर चले गए होंगे पिता, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते। यीशु पिता, जो आपने मेरे पिता हम सभी का नाम लेके बुलाया है, उद्धार किया, छुटकारा किया, अनंत काल का जीवन दिया पिता, आपने कहा है, मैंने तुझे माता की गर्भ से चुना है, तू मेरा ही है, मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है, पुकारा है, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। प्रभु आपने कहा, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पे खोद के बनाया है। प्रभु आप महान पिता, आपने कहा जो तुझे छूता है वो मेरी आंखें की पुतली को छूता है। प्रभु मेरे पिता, हम महान प्रभु अब दयालु परमेश्वर है, जो आपने हम सभी से बहुत प्रेम किया पिता। मेरे प्रभु प्रार्थना करते हैं उन मसीह भाई बहनों के लिए मेरे पिता, जो मसीह भाई बहन बीमार है पिता, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो खाट पे, जो बेड पे पड़े हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आखिरी सांस में झेल रहे हैं प्रभु, जो अपनी खाट अपने आंसू से भिगो रहे हैं, हर एक दरवाजा बंद हो चुका है, आज की किरण बंद हो चुकी है प्रभु, हम चाहते हैं पवित्र आत्मा होली स्पिरिट हर एक प्रकार की बीमारियाँ, गंदी दुष्ट आत्मा के जीवन से
चली जाए सुबह सुबह हमसे, हर एक बीमारियां जाए कैंसर गिल्टी और सिले पथरियां हर प्रकार की बीमारियां के जीवन से शरीर से जाए सुबह सुबह नाम से प्रभु। पिता हम प्रार्थना करते प्रभु जीव मसीह के घर में एक दुष्ट आत्मा है, हर एक कदर के बंधन गंदी दुष्ट आत्मा के बंधन हैं पिता, जय दुर्गा के बंधन यीशु मसीह। हम चाहते हैं प्रभु आपके नाम से मसीह भावे नजात होने पाए, आजादी को रसीब करें अपने जीवन में, आजादी को रसीब कर बोलकर आमीन अपने जीवन में, आजाद हो जाओ बोलकर यीशु मसीह के नाम से, आजाद हो जाओ आमीन बोलकर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप पवित्र हैं। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं बहनों के लिए पिता, जिन बहनों की कोखें बंद पड़े पिता, जिन बहनों को बच्चे चाहिए, जिन्हें बच्चे नहीं थे पिता, जिस प्रकार से प्रभु आपने सारा को बच्चे दिए थे 90 वर्ष की आयु में पिता, उसी प्रकार से हम आदेश देते हैं बहनों के जीवन पिता, बंद कोखे खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, बच्चे की आशीष आने पाए यीशु नासिर के नाम से प्रभु। हर एक जुआ टुकड़ा किया जाए, हर एक गंदी बदरे दुष्ट आत्माएं चली जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, ये बहन आजाद होने पाए, आजादी को रसीब करने पाए अपने जीवन में प्रभु। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिन घर में लड़ाई झगड़ा होता है दुष्ट आत्माएं पिता काम करते हैं, समस्या हम चाहते हैं हर एक गंदी दुष्ट आत्मा हर एक गंदी दुष्ट मधुरी आत्मा गुड़ की जाए समस्या के नाम से, वो चली जाए समस्या के नाम से प्रभु। प्रार्थना करते हैं जो मसीह भाई रहते हैं सौ पाते जिन्हें डर लगता है भर लगता है, प्रभु आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भाई ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी, अचानक कहने लगे से न डरना प्रभु। मुझे आशा विश्वास है पिता अपने प्राणों को सुना है प्रभु, ये छोटी सी मिट्टी उद्धार करता है यीशु नासिर के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल करेगा आमीन।